हमने कभी सोचा नहीं था, लेकिन आज इस समूह से जुड़ने की वजह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और भी आगे बढ़ेंगे। सिद्धार्थनगर जनपद के डुबरन ब्लॉक में आज एक महिला मेट को लेकर एक प्रशिक्षण और ट्रेनिंग हुआ है, उसमें आइए हम यहाँ जानने का प्रयास करते हैं कि इन महिला मेट की काम क्या है और इनको किस तरह से सरकार रोजगार दे रही है। और यहाँ आज इस ब्लॉक में 135 महिलाओं को महिला मेट के से रोजगार में जोड़ा गया है। आइए इन महिलाओं से मिलते हैं और मिलकर जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि आज इन लोगों को महिला मेट के बारे में कैसे जानकारी दिया गया और इनका क्या रोल होगा। समूह से जुड़ने की वजह से इस मेट में हम लोगों को नरेगा के थ्रू हम लोग को काम मिला है। इस पहले मेट के उसमें हम लोग को चयनित किया गया है और यहाँ मीटिंग में 134 महिलाओं को इसकी ट्रेनिंग दी गई है और इस पर हम लोगों को जो मनरेगा के तहत मजदूरी करने का मौका मिला है, इससे हम लोगों को बहुत ही खुशी और बहुत ही वो है कि हम लोग मनरेगा की उम्मीद बढ़ी है, इससे हम लोग काम अच्छे से करना। इसमें मनरेगा में ये काम है मेट लोगों का कि जो मजदूर काम कर रहे हैं दिन भर उन लोगों का रिपोर्ट देना है कि मतलब उन्होंने कितना किया कितना नहीं और मतलब कितने मजदूर आए हैं कितना समय से उन्होंने काम किया कार्य किया सारी रिपोर्ट लेके देंगे। तो क्या इसके पहले भी आपने सोचा था कि इस स्वयं सहायता समूह के जरिए हम मतलब इतना आगे बढ़ पाएंगे? नहीं, ऐसा तो हमने कभी सोचा नहीं था, लेकिन आज इस समूह से जुड़ने की वजह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और भी आगे बढ़ेंगे। ब्लॉक से भी बहुत सहयोग मिलता है, हमारे ब्लॉक में जो श्री बहादुर सहायक है अधिकारी है उनका भी हम लोगों का बहुत ही मतलब सहयोग मिलता है। हमारे ब्लॉक में जो डीएम है मनीष पांडे उनका भी बहुत सहयोग है, उन लोगों की वजह से आज हम लोग इतना आगे बढ़े हैं। महिलाओं को मेट में मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्य दिया जाएगा, इसमें समूह महिलाओं को प्राथमिकता के तौर पर रखा गया है। इनको 375 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से कार्य पर इनको भुगतान मिलना है। मेट को लेकर के तो शुरुआत अभी हुई है, इसके पहले भी सरकार की इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे मान लीजिए कोटा संचालन, आंगनबाड़ी का राशन, उसके बाद नर्सरी का कार्य, सीआईबी बोर्ड का कार्य, शौचालय का कार्य, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कार्य हैं, मछली पालन है, बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, ये सब कार्य करते हुए समूह की महिलाएं अपने आजीविका को बढ़ाने का कार्य करती हैं। इसमें सरकार भी योगदान देती है, बैंक भी योगदान देते हैं और हम लोगों के द्वारा उनको समय समय से प्रशिक्षण एवं ट्रेनिंग दिया जाता है। वो समूह में सदस्य थी और मुझे समूह में जुड़ने के बाद कुछ लाभ मिला है, समूह से जुड़ते कुछ मेरे की नौकरी बन गई है, रोजगार थी मतलब मजदूरी करते थे, उसके बाद समूह में जुड़कर मुझे मेट की नौकरी का लाभ मिला, उस समय आगे बढ़ी। पहले मैं कुछ पैसा मजदूरी करती थी, उसमें 204 रुपये मिलता था। आज ब्लॉक पर हमको हमारी सबकी ट्रेनिंग हुई 133 लोगों के साथ में, अब आज से हम मेट की नौकरी करेंगे। ये मनरेगा योजना के अंतर्गत मेट का चयन हो रहा है, इसमें समूह की महिलाएं जो है उन्हीं को किया जा रहा है, जो 8 पास है और 375 रुपया एक मेट महिला को मिलेगा। एक गांव में कम से कम 4 मेट रहेंगी और 20 लेबर पर एक मेट रहेगा और ये समूह का एक हिसाब से समूह को मोटिवेट करने के लिए सरकार ने स्कीम चयन किया है, अच्छा स्कीम है। इसलिए मजदूर 202 रुपया पाते हैं, 375 रुपया मेट को मिलेगा और महिला मेट हैं, इसलिए सरकार ने महिलाओं को ध्यान ज़्यादा दिया है। समूह को 375 रुपया घर से पाएंगे और मटेरियल जिसे आता है वही मजदूरी मटेरियल के हिसाब से ही इनका बजट आएगा, उसी में से मजदूरी पाएंगे। जी, आज विकासखंड डुमरियागंज में जो महिला मेटों का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया उसके क्रम में हम आपको अवगत कराएंगे कि UPSRLM के द्वारा हमें एक सूची प्राप्त हुई जिसमें 133 महिलाओं का नाम था, हम उनको प्रशिक्षण के लिए आज इनवाइट किए थे। जी, जो महिलाएं आई थी उनको यह बताया गया कि उनका महिला मेट के रूप में क्या काम होगा, क्या योगदान होगा, वह साइट पर किस तरीके से मस्टर रोल को देखेंगे, किस तरीके से मस्टर रोल को भरा जाएगा या वहाँ पे पीने के पानी की और मेडिकल किट की व्यवस्था कैसे करनी है और सेक्रेटरी रोजगार सेवक प्रधान के बीच तालमेल बिठाते हुए किस तरीके से
कार्यस्थल पर कार्य करना है, इसके बारे में उनको प्रशिक्षित किया गया। तो सर इसके लिए उन लोगों का कोई मतलब मेट के तैनाती के रूप में उनको कुछ पैसा का भी भुगतान होगा, किस बेस पर होगा? उनको मेट के रूप में प्रतिदिन 375 रुपए उनको स्टाइपेंड मिलेगा। उनको जो मजदूरी उनका मेहनताना होता है वो 375 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा। और इनका मेन काम 20 मनरेगा मजदूरों पे एक महिला मेट का चयन किया गया है जो अपना दायित्व तो निभाएंगे, जिसके बारे में आपको पहले ही बताया। उनको प्रतिदिन के हिसाब से 375 रुपए भी मिलेंगे और यह इनको 1 से 1.5 महीने में पारिश्रमिक प्राप्त हो जाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ब्रह्मजीत सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।